हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जामुन का पेड़ हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 11 आरोह भाग 1 से, जिसके राइटर जो हैं वो कृष्णचंद्र जी हैं। और हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं, और इसी सीरीज में आज हम बोधात्मक प्रश्न को कवर करेंगे और इनके उत्तर जानेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपने इन क्वेश्चन आंसर्स को। तो जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो है कि जामुन का पेड़ पाठ का प्रतिपाद्य। आप बताइए कि जामुन का जो पेड़ है, आखिर ये लिखा ही क्यों गया, इससे जो लेखक है वो क्या बताना चाहता है। तो उत्तर होगा कि जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हालांकि ये हास्य व्यंग कथा तो कही गई है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक करुणामय कथा भी है, क्योंकि इसमें पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की जो करुणा गाथा दिखाई गई वो अनायास ही पाठकों को हृदय जो है द्रवित कर देती है। और हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुमान से ज़्यादा फैलाकर घुमा फिराकर दिखाने की परंपरा, जो परिपाटी है, वो काफ़ी पुरानी है, और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय सी कभी कभी हमें लगने लग जाती है, क्योंकि इस पाठ में जो है हास्य व्यंग को पुट देने के लिए लेखक ने चीज़ों को काफ़ी घुमाया फिराया है। और अक्सर ये लेखक ऐसे करते हैं कि जब वो अपनी किसी भी कहानी में, किसी भी पाठ में हास्य या व्यंग का पुट डालना चाहते हैं, तो वो चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही फैलाते हैं और ज़्यादा ही चीज़ों को घुमा फिराकर पाठकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। और ये कहानी भी इसी तरीके से, इसलिए कुछ घटनाएं तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी लगती हैं कि जिन पर शायद विश्वास भी ना किया जाए। इसी तरीके की एक घटना है कि जब ये सुझाव दिया जाता है कि जामुन के पेड़ को ना काटकर उसके नीचे दबे हुए व्यक्ति को ही काट दिया जाए दो हिस्सों में, और मेडिकल विभाग भी इसकी मंजूरी दे देता है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, और यह पाठ यह स्पष्ट करता है कि जो कार्यालय हैं उनके जो तौर तरीके हैं, उनमें पाया जाने वाला जो विस्तार है वो कितना निरर्थक और मतलब कितना हास्यपद है। क्योंकि जब किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई कार्य जाता है, तो किस तरीके से उसको फैला दिया जाता है, किस तरीके से उसको काम को ना करके उस काम को टाला जाता है, एक दूसरे पर डाला जाता है, ये बड़ा ही निरर्थक सा लगता है और बड़ा ही हास्यपद सा लगता है। यह व्यवस्था के संवेदनशील्य व अमानवीयता के रूप को भी बताता है कि किस तरीके से जो हमारे सरकारी विभाग हैं वो कार्य व्यवस्था को चलाते हैं। उन्हें किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, किसी की जान से कोई मतलब नहीं, किसी भी व्यक्ति का चाहे कोई कितना बड़ा नुकसान ना हो जाए, लेकिन वो अपनी कसौटियों को पूरा करते हैं। लेकिन उन कसौटियों को भी वो जिम्मेदारी से पूरा नहीं करते, बल्कि उनको एक दूसरे पर टालते हैं। और कोशिश यही रहती है उनकी कि जितना ज़्यादा सामने वाले व्यक्ति का समय खराब किया जाए, पैसा खराब किया जाए, उतना ही ज़्यादा अच्छा है, तभी उनकी शायद इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आएगी। तो सरकारी कर्मचारियों के मन में कहीं ना कहीं ये भावना देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली को दबे हुए व्यक्ति के जो उसके सहानुभूति हो जाती है, तो उसके पीछे का कारण क्या था कि माली जो है दबे हुए व्यक्ति से सहानुभूति करने लग जाता है। तो उत्तर होगा कि माली का काम लॉन में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करना था। रात की आंधी में सचिवालय के लॉन में जो खड़ा हुआ जामुन का पेड़ था वो गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। माली ने विभाग को उसकी सूचना तो दे दी थी कि जब तक पेड़ नहीं हटता तब तक माली की ड्यूटी उसकी देखभाल करने की थी। अब माली ने अपना कर्तव्य निभाया, उसने तुरंत विभाग को की सूचना दी कि जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दब गया है। अब उन्होंने कहा कि जब तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी, इस दबे व्यक्ति को नीचे से नहीं निकाला जाएगा, तब तक आप इस दबे हुए व्यक्ति की देखभाल करो। तो इसी वजह से माली जो था उस दबे हुए व्यक्ति की देखभाल कर रहा था, उसको खाना पीना दे रहा था, उससे बातें कर रहा था, और उसी के साथ साथ वो लगातार उसको तिल तिल मरते हुए भी देख रहा था, लेकिन वो मजबूर था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति से सहानुभूति हो गई। वो जल्द से जल्द इस समस्या से भी छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जल्दी से जल्दी जामुन के पेड़ को हटाया जाए और इस व्यक्ति को निकाला जाए, ताकि इसकी जान भी और मेरा भी छुटकारा हो सके। तो इन्हीं सब वजह से जो माली था वो जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा सहानुभूति करने लगा था, और उसको समय समय पर आकर वो थोड़ा बहुत खाना खिलाता था, पानी वगैरह उसे पिला देता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जामुन का पेड़ गिरा देखकर क्लर्क ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। तो उत्तर होगा
कि लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया। उसे देखकर क्लर्क को दुख हुआ क्योंकि अब उसे उसके मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे। उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की कोई भी चिंता नहीं थी। तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हमारे सामने आते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशून्य हैं। उनके अंदर मानवता हमें कहीं देखने को नहीं मिलती, और मानवता जब नहीं है देखने में, तभी वो ऐसे कार्यक्रम काम कर सकते हैं कि उन्हें किसी भी व्यक्ति के मरने जीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब जामुन का पेड़ गिर जाता है तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि इस पेड़ के नीचे बेचारा कोई व्यक्ति दब गया है और ये भी किसी परिवार का सदस्य होगा, बल्कि उसे ये चिंता हो जाती है कि कितने मीठे जामुन इस पेड़ पर लगते थे और वो इतनी मीठी मीठी जामुन खाता था, तो अब वो जामुन कहाँ से खाएगा। तो ये उसे इस बात की चिंता सताने लग जाती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि माली ने दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए क्या शर्त लगाई थी। तो उत्तर होगा कि माली सरकारी कर्मचारी था, अगर वह खुद उस व्यक्ति को निकालने का निर्णय ले लेता तो उसके ऊपर अधिकारी उसे परेशान करते और उसके ऊपर वो एक्शन ले लेते। तो इसी वजह से वो अपनी परेशानी को देखते हुए सुपरिटेंडेंट साहब से इजाज़त लेने के लिए गया, और उसने कहा कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे देंगे तो वह भी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए व्यक्ति को निकाल सकता है। क्योंकि उसे लगने लगा कि अगर वो अपने आप ही एक्शन लेगा, इस व्यक्ति को बाहर निकाल लेगा, तो अधिकारी उससे नाराज़ हो जाएंगे कि तुमने आखिर जामुन के पेड़ को हाथ कैसे लगाया। तो इसी वजह से वो सुपरिटेंडेंट पास के पास जाता है और इस उम्मीद से जाता है कि शायद वो सुनकर इजाज़त दे देंगे। तो वो तुरंत ही फटाफट मालियों को इकट्ठा करेगा और दूसरे व्यक्ति को इकट्ठा करेगा और उनकी मदद से उस व्यक्ति को बाहर निकाल सकेगा। और अगर सुपरिटेंडेंट साहब उसे इजाज़त दे देते तो वो व्यक्ति शायद उस जामुन के पेड़ के नीचे से बाहर निकल कर सकुशल अपने परिवार के पास पहुंच जाता, लेकिन वो उसे इजाज़त ही नहीं देते। तो इसी वजह से माली यही शर्त लगाता है कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब हमें इशारा कर देंगे कि निकालो, तो मैं तुरंत ही अभी से आधे घंटे के अंदर व्यक्ति को बाहर निकाल सकता हूँ। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।